बिल्कुल, लीबिया कश्ती हादसा जो है, वहाँ जहाँ उस कश्ती में हम देख रहे हैं कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद थी, लेकिन शायद कम लोग ये जानते हैं कि इस कश्ती में गुजरात का एक बच्चा भी था जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी और वो यहाँ पर 9वीं क्लास का तालिब इल्म था और वो एजेंट के झांसे में आया, उसके वालद को उसने बहलाया और वो इसकी बातों में आया और वो लीबिया के लिए निकल पड़ा और एजेंट ने उसे उस बदनसीब कश्ती का सवार बना दिया जो दरिया के अंदर गर्क होगी। इस वक्त अबू ज़र के जो वालिद हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि ये कैसे आप उनकी बातों में आए, कितने एजेंट ने पैसे लिए और कैसे आपको इसकी इतला मिली कि हादसा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान जी, एजेंट नाल साडा 26 लाख का सौदा आया। साडा एक दोस्त से बाहर टुर गया, उस एजेंट के थ्रू शहर का सी, उन्हें फोन करके सानू दसिया कि अपने बच्चे नू बाहर कलो भाजी, उत्थे बड़ा काम है, बड़े पैसे ने, असा अपना मकान सेल किया 18 लाख रुपए का, 26 लाख एजेंट सौदा होया, 20 लाख रुपया असा एजेंट नू भाजी दे दिता, 6 लाख रुपया और देना सी। 9 तरीक हर दिन साढ़े बच्चे उन्होंने बिठाया कश्ती के, साढ़े बच्चों को भाजी उन्हें कतल किया, साढ़े ना इतने बड़े सुहाने खाब, व्डा शिप, व्डिया सीटा से बढ़ा के खड़ा, लेकिन साढ़े बच्चों उन्होंने छोटिया कश्तियां से बहा के भाजी समुद्र के डुबो के मार दिता। कोई मसला नहीं, तुहानू आउण लगा, उन्होंने रोटी भी नहीं दी, साढ़े बच्चे 8 दिन भुखे रहे ने, पानी तो तरले लेंदे रहे ने, पापा जी मैनू वापस मंगा लो, मैं मर चला वा इत्थे। अब मुड़े मेरा मतलब पिंड विचों जी गए जे ते इन्हां ने जाके इन्हां जंटा ने सबज भाव विखाया, सबज भाव विखा के जी तुहाडा मुड़ा 25 लाख नाल तोड़ मेरा मतलब टुट जाएगा, बाद 26 लाख रुपया लिया वा PTF बच्चे स्कूल स्टूडेंटा ने इन्हां ब्लैकमेल करके जी, सारे वड्डा शिप का विखा के छोटे शिप के चाड़े ने, कुछ बंदे ऐसे ने जिन्हां ने वेख लो मकान विके जे, वो मकान वेच के बेचारे ने ਬਿਆਨੇ ਕਰਕੇ 10-10 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਲੇਬੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਲੇਬੀਆ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਜੋਗੇ, ਜੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ।